करने और हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। स्क्रीनशॉट में यह दावा करने वाला टेक्स्ट भी है कि पोस्ट हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मुइज़ू का ये कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया। स्क्रीनशॉट में लिखा था कि मालदीव के राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगी। भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लक्ष्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए। पीएम मोदी ने वहां कुछ वक्त बिताया और लक्षद्वीप पर बिताए गए पलों को तस्वीरों के जरिए साझा भी किया। उन्होंने लक्षद्वीप को भारतीयों के लिए सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। बस इसी बात पर समुद्र से घिरे देश मालदीव के मंत्री बौखला गए और पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। हालांकि बाद में तीनों मिनिस्टर्स मरियम शिवना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक सवाल सभी के मन में आया, आखिर मालदीव के मन में भारत के प्रति कड़वाहट कहां से आई? क्या मालदीव के नेताओं ने चीन के उकसावे पर तो ये बयान नहीं दिया? तो आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन की यात्रा पर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत विरोधी रुख रखने वाले मोइज़ू ने चीन के साथ 20 अहम समझौतों पर साइन किया है। दूसरी ओर भारत और मालदीव में तनातनी का चीन फायदा उठा रहा है। अपने बयान से चीन ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। चीन ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी ने मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की कोशिश की तो वो इसका विरोध करेगा और चीन हमेशा मालदीव के लिए खड़ा रहेगा।